नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स एंड थ्रू दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट यू टू प्रोवाइड यू फुल प्रोफेशनल एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्लासेस में जो वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स वेदर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स और मेंस और फॉर द गाइडेंस फॉर द इंटरव्यू। मीन्स इन वीडियोज को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने फ्रॉम यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई से पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन, उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिविजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोज में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू दी एंटायर कोर्स फ्री थ्रू दी यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल अकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सी प्लीज नोट डाउन द केस ऑफ महावीर सिंह वर्सेस नरेश चंद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। यू सी दिस, what they said, this lordship said is, the ability to pronounce judgment is to be understood as to the ability to pronounce a judgment satisfactory to the mind of the court. These words are very important. Satisfactory to the mind of the court delivering it. Now you say this, suppose I am the judge, okay, and you are the appellant, you are the respondent. नो आई एज ए कोर्ट फील्स कि ये शिवम है, ये थोड़ा मुझे ज़्यादा क्लोज टू हार्ट है। अब इसके फेवर के लिए एविडेंस सफिशियंट नहीं हो रहा है ना। टू हिज सेटिस्फेक्शन मुझे कोर्ट डिसीजन मोल्ड करने के लिए, कोई लेकुना फिल करने के लिए देयर शुड बी सम एविडेंस। एक रिक्वायरमेंट ये हुई कि एज ए कोर्ट, एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, I feel not set कि there is no satisfactory evidence available on the record which should come on record, कुछ रह गया है जो आना चाहिए था। तो it is not the to the satisfaction of any party। ये जो 1071 का बी पार्ट है, this is the requirement of the court and not of the party। What is the requirement of the court? कि court feels for its satisfaction it is necessary, satisfactory to the mind of the court delivering it। कि नो आई विल नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस द जजमेंट अनलेस दिस एडिशनल एविडेंस इज प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। समझ रहे मतलब ये तो डिफरेंस है। अब देखिए क्वेश्चन आएंगे कैसे, इसमें आपको आपके मेंस में क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट पे, हार्डली ऑन दिस पे उन पे। तो व्हाट यू विल डू, व्हाट यू शुड डू फॉर द पर्पज ऑफ मेंस एज वेल, 107 ए बी सी डी आपको रटे होने चाहिए, और वॉट एवर रूल्स सब आ रहे हैं ये आपको रटे होने चाहिए। एंड जस्ट refer, you need not to mention the facts of these cases, you just mention the name of the cases, it will be sufficient, more than sufficient for this. Kar lenge. Next case is in this regard, this N. Kamlam Assami, the authority and jurisdiction as conferred on the appellate court to allow fresh evidence is restricted, seemit hai, it is not ex ki ऐसे में वो नॉन रेस्ट्रिक्टेड, देर इज रेस्ट्रिक्टेड है। मीन्स सी दिस, यू सी दिस वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सी इट डज नॉट एंटाइटल्ड, व्हाई रेस्ट्रिक्टेड, इट डज नॉट एंटाइटल अपीलेट कोर्ट टू अलाउ फ्रेश एविडेंस ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट इन ए पर्टिकुलर वे। यू सी दिस लाइन, जजमेंट इन ए पर्टिकुलर वे,
कि द कोर्ट फील्स दैट टू गिव द जजमेंट इन ए पर्टिकुलर वे मोर एविडेंस शुड बी अलाउड. नो, दिस इज वॉट एक जस्टिफाइड प्रॉपर जजमेंट के लिए जरूरी है या नहीं एविडेंस. किसी खास तरीके से ट्विस्ट करने के लिए एविडेंस नहीं अलाउ करेंगे आप. नहीं आ रही बात समझ में? तो कर लेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे वर्सेस लाला पंचम. इनकी क्वेरी है कि वेदर वी नीड टू रीड ऑल दीज केसेस इन डिटेल. नो, जस्ट यू मेंशन दिस, वॉट एवर लाइन्स आर हैव बी गिवन, यू जस्ट मेंशन इट. वेन एवर यू मेंशन इन योर मेन्स एग्जाम, यू विल राइट दिस लाइन एंड ब्रैकेट में दिस केस. You need not to go what were the facts of this case. You need to what was the held, what was held in trial court, then in appeal court. You need not to go that. Why? See, इसका भी ट्रिक देता हूँ आप लोगों को मैं. When do you need the cases in detail? When it is required. When the case law becomes very important in a way that certain very very important law has been set by that law. समझे? जो लीज एक ऐसा बन जाए कि आने वाले केसेस के लिए वो एक प्रेसिडेंट बन जाए उसमें. दोज केसेस आर रिक्वायर्ड टू बी फॉर इन डिटेल, बट इन दिस केस व्हेन यू आर जस्ट यूजिंग देम एज ए रूलिंग फॉर दैट टू साइटिंग सम लॉ, यू नीड नॉट टू गो इन सच डिटेल्स फॉर दैट. द केसेस जस्ट लाइक इन कॉन्स्टिट्यूशन यू विल सी केशवानंद भारती केस, यू विल सी मेनका गांधी केस. दीज आर द केसेस विच आर द फाउंडेशन ऑफ द रिसेंट लॉज नाउ. फाउंडिंग केसेस बन गई है. तो इन दैट केस यू नीड टू अंडरस्टैंड दी. इन केस ऑफ सीपीसी यू नीड नॉट टू गो इन सच डिटेल्स. यू नीड सच डिटेल्स इन कॉन्ट्रैक्ट. यू नीड सर्टेन सच डिटेल्स इन केस ऑफ एविडेंस एक्ट एज वेल, स्पेशली इन द केसेस ऑफ कन्फेशन केसेस, कन्फेशन डाइंग डिक्लेरेशन. बट वेयर एवर इट विल रिक्वायर्ड आई विल डिस्कस विद यू. इफ आई एम नॉट मेंशनिंग फैक्ट्स हियर, तो यू नीड नॉट टू गो. यू जस्ट गो टू द गो थ्रू दी नोट्स ओनली. बस डू यू नीड नॉट टू गो बियॉन्ड दैट. जितने मैंने नोट्स दे दिए, अदरवाइज मैं कहूँगा आपको कि उसका पढ़ लेना अपने आप भी. यहाँ पर मोर देन सफिशियंट है. जब मैं नोट्स बना रहा था तो मैं सोच रहा था कि कितनी मेहनत करवा रहा हूँ उन लोगों से, कितना पढ़ना पड़ेगा उन लोगों को. क्योंकि ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, 4 पेज के नोट्स हैं, क्योंकि ये आपको कंप्लीट पिक्चर देंगे. इसमें से आधा याद रह गया, मोर देन सफिशियंट. What is query है इनकी, what is the word limit of short note? See, in most of cases, word limit is specified in your question paper itself. Somewhere they say 100 words, 200 words like this. So you will have to go by that limit again. Now suppose there is no such kind of specification, there is general short note. Then what I believe ki the lengthy question, the detailed question requires maximum up to 500 to 600 words, high maximum to 700 words. So you can break like this, five full questions 300 hours mein likhne hote hain, 600 to 700 words wale. If I am supposed to write full 5 questions in the word limit of 300 words, then मैक्सिमम 5 questions will be there. Now you can break it now. कि अगर 4 questions lengthy हैं and there are 3 short notes, then you can write it 200, 200 and 200 like this. आप समझ रहे हैं? Otherwise there are 2 parts of a full question, then you can divide it 300, 300. तो एक yardstick अपने mind में roughly आप रख सकते हैं कि एक जो full question है, detailed question है, उसके जो words हैं वो 700 उसमें होने चाहिए. इसमें भी मैक्सिमम 700, 600, 700 बहुत हो गया अभी. समझ रहे हैं आप ये? तो उसके हिसाब से आपको खुद ही डिवाइड करना पड़ेगा कि मुझे रिक्वायरमेंट यहाँ पर इतने की है बस. ये भी कर लेंगे नहीं कर लेंगे आप ये? ठीक है, प्लीज सी दिस. प्रोविजंस ऑफ रूल 27 आर नॉट इंटेंडेड टू अलाउ ए लिटिगेंट हु हैज बीन अनसक्सेसफुल इन द लोअर कोर्ट टू पैच अप द वीक पार्ट्स ऑफ हिज केस and to fill in gaps. आप समझ रहे हैं इस बात को क्या? This what is the intention? Intention is it is not to fill the gaps, to patch up the weak parts. कि you lost the case in the lower court because you could not prove something. Now to fulfill that lacuna, you want the help of the appellate court. So this is not the intention or the purpose of Rule 27. समझ रहे हैं बात ये?
तो प्लीज अगेन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मनबोधन लाल है, इट इज लाइन यू, इट इज लाल. सी सी इवन इफ यू सी इवन इफ यू फॉरगेट द केस लॉज, न्यू केस लॉज, बट ऑल केस लॉज आर नॉट रिक्वायर्ड. एक दो भी हो जाए तब भी काम चल जाएगा. मैं फिर कहता हूँ मेंस में वही लोग फेल होते हैं जो लोग कंप्लीट पेपर करके नहीं आते हैं. सपोज एडिशनल देर इज शॉर्ट नोट और देर इज ए लेंथी क्वेश्चन ऑन दी इन दिस पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट टू टेक एडिशनल एविडेंस. यू राइट ओनली द बेयर एक्ट प्रोविजंस एंड यू बट एक्सप्लेन इट वेरी वेल. दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्ट, नोट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टी. यू राइट ऑल्सो इट इज नॉट इंटेंडेड टू पैच अप द वीक पार्ट्स and to fill the gaps, and you don't mention the case laws. Got it? You mention the case laws as well, and you don't attempt even. So you will be out of the race. You will be in the race, but she will be having an edge upon you. Difference samajh rahe hain aap? If you are not attempting, you are completely out of the race. Kuch bhi nahi milega aapko to. But there will be difference between you and you. So even if you do that, bare act provisions, you write section 107D, you write rule 27, okay, and then you explain it properly, the words, you know, and but you forget the case laws. So you may get, if the marks are of 10 marks, you will get the 5, she will get the 6 or 7. So 6 or 7 will take her to the towards, you know, higher ranks, but you will not be out of the race. You are still in the race. You are out of the race only when you don't write. You have forgotten additional evidence. पढ़ाया था सर ने, कुछ क्या था, कहाँ था, पता नहीं, कुछ कुछ लिखा है वो, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है. जिस इंसान ने पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर डाला 100% मेंस में, तो 99% चांसेस ये हैं कि उसको इंटरव्यू कॉल आएगी ही आएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को वहीं पर प्रॉब्लम है. वो रिवाइज नहीं करते हैं, वो पूरा पेपर अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते. ये अटैम्प्ट करेंगे तो वैसे ही बस. इन जनरल एडिशनल एविडेंस का मतलब होता है अतिरिक्त, ये फिर वहीं घूमते रहेंगे ताकि जैसे एग्जामिनर पागल हो, उसको समझ में नहीं आ रहा हो क्या, वो केवल टाइम पास करेंगे. वो तो वो जानता है सब लोग, वो उस उम्र से गुजर चुका है ना. तो दिस इज रिक्वायरमेंट, कर लेंगे आप लोग. तो आपका आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का कि वॉट इज द इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस ऑफ केस लॉज इज टू मेक your answer and more marks fetching. But even if you forget this, don't get panic for that. You must be remembering the core law, legal point yaad honi chahiye. If you remember even this law, this line, you forget this, to bahut bada difference create nahi hoga. Agar ye likh denge to bahut achhi baat hai, sahi hai, us tarah ki baat hai. And this was the second jo requirement thi, that for any other substantial cause, this was to quote, this was the second phrase. First phrase was to pronounce the judgment, and the second phrase in this was for any other substantial cause. In this regard, this is general clause per se, that if the court feels in general, hai na, ki for any sufficient cause that it additional evidence should be allowed, then court can allow it. Kar lenge aap log. To yahan tak kisi ko question puchna to puchhiye mujhse. Now come to the next level. Please come to the rule 28, mode of taking additional evidence. We have read rule 27. Now come to rule 28. What is this? Mode of taking. Now once you have decided that additional evidence should be taken in this case, then you will have to think how this evidence, additional evidence, is to be taken, whether the appellate court itself should take it or can direct the lower court to take the evidence in this case. आप बात समझ रहे हैं इसमें. द आंसर लाइज इन रूल 28. प्लीज गो टू रूल 28. वेयर एवर एडिशनल एविडेंस इज अलाउड टू बी प्रोड्यूस्ड. नाउ फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज मेट. 107 रेड विद रूल 27 इज मेट. नाउ वेयर एवर एडिशनल एविडेंस इज अलाउड टू बी प्रोड्यूस्ड, द अपीलेट कोर्ट मे व्हाट, ईदर टेक सच एविडेंस, इट मींस इटसेल्फ इट कैन टेक द एविडेंस, or direct the court, कौन सी court, from whose decree the appeal is preferred, or any other subordinate court. And don't forget this is the third option.
ऑप्शन इज नॉट कन्फाइंड टू ओनली टू इटसेल्फ और द कोर्ट अगेंस्ट विद द अपील इज प्रेफर्ड बट इट मे डायरेक्ट द एविडेंस टू बी टेकन बाय अदर कोर्ट एज वेल. सपोज इट इज द केस दैट आई फील इन द एज अपीलेट कोर्ट दैट एविडेंस दिस इन दिस केस दिस लोअर कोर्ट रोंगफुली रिफ्यूज टू एडमिट द एविडेंस इट शुड हैव बीन इट ऑट टू हैव बीन एडमिटेड But I think you know again if I direct this court itself to take this evidence it may be prejudiced. So for better I refer it to third court now. So it can also be an option for you in prelims don't forget this. So इसीलिए मैंने आपको अलग से करके दिखाया है और any other subordinate court. This is mode of taking evidence when rule 28 comes into play wherever additional evidence is allowed to be produced 28 will come into play only when 27 is has and action has been taken under rule 27 hai na chaliye dekhiye kya hai 28 says what again samjhata hu halanki bahut simple technical kuch hai nahi isme wherever additional evidence is allowed to be produced it means what under rule 27 either party on the application of party or the court suo motu has taken the view that this is the case where the additional evidence should be produced now court has taken decision it in this case additional evidence will be taken whether it is in the a when the wrongfully refusal okay whether it is aa or this is what due diligence and whether the third b part whether requirement of the court under any category additional evidence is allowed now suppose I am the appellate court and I was dealing the appeal against the decree which was passed by you so question is this ki additional evidence hai ye court appellate court khud legi ya aapko direct kiya jayega to court ka teen option hai either take the such evidence it means appellate court can take the evidence itself number 1 second kya hai or direct the court ko direct karegi kaun si ko From whose decree the appeal is preferred, यानी कि you or any other subordinate court means you. So these are the options before the court. कर लेंगे आप. So this is don't forget this. Either himself, itself, or the lower court against whom decree is being heard, or any other subordinate court. Why I am showing it? Because these are the question for the prelims as well. हाँ जी. See, what is her query? Her query is this ki if the court is directing the court any other subordinate court to take evidence to whether the appellate court will get to reasons for it or not see now please see this in case of when the court has taken a decision under rule 27 read with 107d that evidence additional evidence should be taken in this case that was an order substantive order which you know which infringes which impacts your rights of parties means the aggrieved party against whom the evidence is to be taken did be aggrieved so that's a different kind of order and this is only a matter of procedure which court will record the evidence this is not impacting the rights of any party as such whether court number 1 or court number 2 or court number 3 this is a matter of procedure only and it will be decided by the court as per the circumstances of the case ab meri baat samajh rahe hain aap isme to yahan pe recording reasons question of recording reasons does not arise court may write few lines or may not write recording reasons becomes necessary when the decision is going to impact your rights considerably This is a matter of procedure only. Whether which court is being directed to record the additional evidence, the first choice shall be this because this is not the duty of the appellate court to record the evidence. This all case was taken into consideration by this court. But in exceptional cases, there is a window for the appellate court that it can direct any other subordinate court as well to record the additional evidence. समझ में आई बात नहीं? तो दिस इज कर लेंगे एंड देन आफ्टर रिकॉर्डिंग एंड सेंड इट व्हेन टेकन टू द अपीलेट कोर्ट देन एडिशनल कोर्ट सॉरी द कोर्ट व्हिच रिकॉर्डेड द एडिशनल एविडेंस विल टेक द एविडेंस एंड विल सेंड इट टू द अपीलेट कोर्ट
कर लेंगे हमने। नाउ कम टू 29, वेयर एडिशनल एविडेंस इज डायरेक्टेड और अलाउड टू बी टेकन द अपीलेट कोर्ट शैल स्पेसिफाई द पॉइंट्स टू विच द एविडेंस इज टू बी कन्फाइंड एंड रिकॉर्ड ऑन इट्स प्रोसीडिंग्स द पॉइंट सो स्पेसिफाइड। बस दिस इज अगेन मोड ऑफ टेकिंग में वॉट वेयर एडिशनल एविडेंस इज डायरेक्टेड और अलाउड टू बी टेकन द अपीलेट कोर्ट शैल वॉट क्या स्पेसिफाई द पॉइंट टू विच द एविडेंस इज टू बी कन्फाइंड। इट इज नॉट जनरल यू विल स्टार्ट अगेन एज पर योर विम्स एंड कैप्रेसिस, स्पेसिफाइड पॉइंट्स बताने पड़ेंगे कोर्ट को, है ना। एंड रिकॉर्ड ऑन इट्स प्रोसीडिंग्स द पॉइंट्स आर स्पेसिफाइड, अपनी प्रोसीडिंग्स में अपीलेट कोर्ट लिखेगी कि कौन किन पॉइंट्स पर एडिशनल एविडेंस इज टू बी टेकन। तो दीज आर द रूल 27, 28 एंड 29, 107, 1D, पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट टू टेक एडिशनल एविडेंस। एंड लास्ट step in this, last point in this, and that there can be a question you need to this, nature and scope of this power, nature and scope, what is the nature and scope of this power, this the power is discretionary and should be exercised on sound judicial principles and in the interest of justice। I have told you many times, please इस line को तो घोट लीजिए, जैसे गायत्री मंत्र घुटा होगा आपके लिए या आपके लिए नमाज की आयत घुटी होगी वो, है ना। कैसे क्या, वेन एवर देर इज लाइन, वेन एवर वी सी राइट दिस लाइन, द पावर ऑफ द कोर्ट इज डिस्क्रिशनरी, ये तुरंत चिपकाइए दूसरी लाइन क्या, इट शुड बी एक्सरसाइज्ड ऑन साउंड जुडिशियल प्रिंसिपल्स एक एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, कि आपकी पावर डिस्क्रिशनरी तो है, आप अपनी मन आपकी आप यू मे डिसाइड दिस वे और दैट वे, बट इट इज नॉट कि ऐसा नहीं है कि फिल्म आई थी वेलकम देखी थी हम लोगों ने, है ना, उसमें था कि इंसाफ हम करेंगे, वो जिल्ले लाए नहीं बन सकते आप कि कुछ भी डिसाइड करेंगे मेरी मर्जी, वो नहीं, दैट यू आपकी मर्जी है बट इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ साउंड प्रिंसिपल, जो अभी तक के सिद्धांत बने हुए हैं उसके आधार पर आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए इस बारे में, सही है, और न्याय हित में क्या है इसमें। एंड एक केस है शिवाजी राव निलंगेकर पाटिल वर्सेज डॉक्टर महेश माधव गोस्वामी, सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड सम प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग दिस, तो दिस कैन बी, दिस केस लॉ कैन बी गुड केस फॉर योर प्रिलिम्स, इन विच केस इज रिलेटेड, सी विच आउट ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ द कोर्ट टू टेक एडिशनल एविडेंस। तो दिस इज शिवाजी राव केस, वॉट वॉज हेल्ड इन दिस केस, बेसिकली दिस इज The person seeking the admission of additional evidence should be able to establish that with the best efforts such evidence, additional evidence could not have been adduced at the first instance. I have explained it, I am just reading it. Secondly, the party affected by the admission of additional evidence should have an opportunity to rebut such additional evidence. Are you getting this point or not? The party affected means the party which was opposing to take the additional evidence will be considered what? Party affected. Then that party should have an opportunity to rebut such additional evidence, means to cross-examination ki power milne chahiye usko. And third is what? The additional evidence was relevant for the determination of the issue. Kar lenge aap log? So this is all about the power of the appellate court to take the additional evidence. Again, topic is very important for your prelims, mains and interview. That's all. Thank you. Video aapne dekha? थैंक यू वेरी मच। एंड फिर एक टिप देता हूँ आपको, देखिए तो टिप ये है कि आपने अगर एक सब्जेक्ट कवर कर लिया है तो उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं, और जितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं फिर एनालिसिस कीजिए क्यों नहीं हुए, आपको डाउट था, आपको याद नहीं था, तो फोकस केवल उन्हीं पर करना है जो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हुए, जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं उनको आप केवल रिविजन में ले जाइए, एंड नाउ स्टार्ट फोकसिंग ओनली ऑन द क्वेश्चन विच यू कुड नॉट सॉल्व, और फिर देखना धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, और आपका जो मकसद होना चाहिए वो 100% परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, और आप कर सकते हैं ऐसा ये हमेशा विश्वास रखना है आपने, ठीक। और आप क्या करेंगे आप लोग, आपको पता है, गो टू द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।